अगर आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस समय सही चैनल पर हैं। हमारे चैनल की खास बातें, हर वीडियो में होमवर्क देकर अगले वीडियो में टॉप स्टूडेंट्स के नाम फोटो सहित दिखाना, फार्मूला को याद करने की बेस्ट ट्रिक देना जिनसे आप कोई भी सवाल चुटकियों में सॉल्व कर पाएं, हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स फ्री में उपलब्ध कराना, आपके हर कमेंट का जवाब देना और बहुत कुछ जब आप हमारे वीडियोज रोज देखेंगे। नो टाइम पास, ओनली क्लास। वेलकम टू ए के त्रिपाठी क्लासेस। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की विविध प्रश्नावली से बना रहा हूँ। इससे पहले की प्रश्नावली की वीडियोज हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली के सवाल 1 नंबर से 8 या 9 नंबर तक देखेंगे, फिर आगे के सवाल अगले पार्ट में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले की प्रश्नावली में मैं आपको कुछ इस तरह के सवाल सॉल्व करने के तरीके बता चुका हूँ। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कॉस इनवर्स से कॉस काट जाएंगे और 13π/6 इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इन सवालों को अलग टाइप से हल किया जाता है। हालांकि कभी कभी कॉस इनवर्स से कॉस काट कर भी जो यहाँ शेष रहे वो आंसर भी आता है। इससे पहले वीडियोज में मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर हम लोग जब 6 को 2 से 13 से काटते हैं तो यहाँ पर लगभग 2.1 something π आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि कॉस का परिसर 0 से π होता है, यानी कॉस का परिसर हमेशा 0 से π के मध्य आना चाहिए, और यहाँ पर 2.1 something जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा सवाल गलत है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पर कॉस इसको हम लोग 2π/π/6 लिख सकते हैं। देखिए, जब यहाँ 6 लासा ले लेंगे तो 6 × 12 + π यानी 13π/6, यानी इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस 360 अंश, पाई के मान 180 अंश, यानी कॉस 360 अंश प्लस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब यहाँ पर ये सही है, इसलिए कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा और सही आंसर हमारा π/6 आ जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। दोस्तों, वीडियो बने रहिए, क्योंकि मैं वीडियो के आगे की वीडियो में मैं आपको कल के होमवर्क के टॉप स्टूडेंट्स के नाम फोटो सहित दिखाने वाला हूं, और आज की वीडियो का होमवर्क भी देने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट उस होमवर्क को करके भेजेंगे हमारे पास, सबसे पहले उनके फ़ोटो नाम सहित मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए सवाल में आते हैं। tan inverse 7π/6, मैंने आपको इससे पहले सवाल बता दिया है, सेम वैसे ही ये सवाल भी सॉल्व होगा। कैसे होगा? देखिए, इस सवाल को हम लोग tan inverse 10π/π/6 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ 6 लासे ले लेंगे तो 6π + π = 7π/6। अब देखिए, tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, tan 180 अंश + x = tan x, यानी कि tan π/6। अब यहाँ पर tan इनवर्स से tan कट जाएगा और हमारे आंसर में π/6 आ जाएगा। अगला सवाल है, 2 sin inverse 3/5 = tan inverse 24/7, इसे हमें सिद्ध करना, यानी LHS = RHS प्रूव करना है। देखिए, इस सवाल को कैसे हल करते हैं। 2 LHS हम लोग लेते हैं 2 sin inverse 3/5। अब देखिए, मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ, देखिए sin inverse 3/5
बराबर एक्स हम लोग मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स बराबर 3/5। अब देखिए, आपने बचपन में सूत्र पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, लाल बटे कक्का नाम का, लाल बटे कक्का यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब ये देखिए 3/5 लिखा हुआ यानी साइन थीटा बराबर 3/5 यानी लंब 3 है और कर्ण हमारा 5 है। जब हम लोग इसे त्रिभुज में ड्रा करेंगे तो साइन एक्स बराबर 3 हमारा क्या है, लंब है, यानी 3 हमारा लंब है, कर्ण हमारा 5 है। तो जब हम इसका आधार निकालेंगे तो ये 4 प्राप्त होगा। अब देखिए, हमें त्रिभुज प्राप्त हो चुका है यानी जिस त्रिभुज का 3 लंब है, 5 कर्ण है और 4 आधार है। अब इस त्रिभुज की मदद से हम लोग टैन एक्स का मान निकाल सकते हैं यानी टैन एक्स बराबर आपको फार्मूला याद होगा लंब बटे आधार। लंब हमारा है 3 और आधार हमारा 4, 3/4 यानी एक्स बराबर टैन इनवर्स 3/4। अब यहाँ हम लोग मान फुट कर देंगे LHS में तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ था हमारा 2 साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 को हम लोगों ने एक्स माना था और एक्स की जगह हमारा टैन इनवर्स 3/4 आ चुका है। जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टैन इनवर्स 3/4। अब ये हमारा फार्मूला बन चुका है 2 टैन इनवर्स एक्स बराबर टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले में हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे टैन इनवर्स 2x अपॉन, जब हम लोग इसे मान पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा टैन इनवर्स 24/7 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसे रफ में कर सकते हैं जो कि हमारा RHS के इक्वल है। अगला सवाल है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टैन इनवर्स 77/36। इसे हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है। इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखेंगे। इससे पहले मैं फार्मूले की वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इन फार्मूलों को ट्रिक से याद करने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पर मान पुट करेंगे यानी साइन इनवर्स, अब देखिए एक्स हम लोग इसको हम लोग एक्स मानेंगे और इसको हम लोग वाई मानेंगे। यहाँ क्या है एक्स यानी 8/17 गुणे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब इसे रखेंगे तो यहाँ पर 4/5 मिलेगा प्लस वाई यानी 3/5 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो अंदर हमें 15/17 मिलेगा। अब आप लोग जब रफ में सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 77/85 हमें मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी पिछले सवाल जैसे हम लोग कुछ हल करेंगे, इसको हम लोग साइन इनवर्स 77/85 को हम लोग एक्स मान लेंगे। अब जब ये उधर जाएगा तो साइन एक्स बराबर 77/85। अब देखिए, पिछले सवाल जैसा ही साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका लंब हमारा 77 है और कर्ण 85 है, जिसका आधार आप लोग रफ में निकालने पर 36 प्राप्त करेंगे। अब इस त्रिभुज की मदद से हम लोग टैन एक्स का मान निकाल सकते हैं यानी टैन एक्स बराबर होता है हमारा 77/36 यानी लंब बटे आधार। या अब ये टैन उस साइड जाएगा तो एक्स बराबर टैन इनवर्स 77/36 मिल जाएगा और एक्स बराबर साइन इनवर्स 77/85 माने थे यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। अगला सवाल है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65।
मैं इससे पहले फार्मूला बता चुका हूँ आपको, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स कोष्ठक के अंदर एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। इस फार्मूला में ये देखिए, इसे हम लोग पूरा एक्स मानेंगे और इसे हम लोग पूरा वाई मानेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह चार बटे पाँच गुड़े वाई की जगह 12/13 माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये रखेंगे तो ये हमारा 3/5 गुड़े 5/13 प्राप्त होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 × 48/13 = 65 माइनस 3 × 15/65 48 × 15 चला जाएगा तो 33/65 प्राप्त होगा, जो कि RHS के बराबर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम लोग अपने कल के वीडियो के होमवर्क की बात कर लेते हैं। कल मैंने होमवर्क में सवाल दिया था 10 inverse 5 माइनस 10 inverse 3 प्लस 10 inverse 10/9, जिसको आपको सॉल्व करके हमें यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भेजना था। कई स्टूडेंट ने इसके सही आंसर्स भेजे हैं, जिनमें से 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। इस सवाल का सही आंसर है π/4 और टॉप स्टूडेंट्स के नाम हैं दीपक यादव, कदम सिंह, सनी कुमार और राकेश। अब हम लोग अपने अगले सवाल में आ जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। यहाँ हमको सिद्ध करना यानी LHS बराबर RHS प्रूव करना है। इससे पहले मैं सवाल बता चुका हूँ, आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए मैं कैसे लगाता हूँ। सबसे पहले कॉस इनवर्स आपको स्टेप याद रखने हैं, 12/13 को हम लोग एक्स मानेंगे। फिर अब देखिए मैं इस सवाल को तेज़ी से लगाता हूँ। जब ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस एक्स बराबर 12/13। यहाँ पर हम लोग एक फिगर ड्रा कर सकते हैं, कॉस एक्स बराबर लाल बटे कक्का के फार्मूले से अगर हम देखेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा हो गया 12, कर्ण हो गया हमारा 13, यानी जो लंब आएगा वो आएगा 5। अब इस त्रिभुज की मदद से हम लोग साइन एक्स का मान निकाल सकते हैं। साइन एक्स बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण यानी 5/13। जब ये साइन उधर जाएगा तो एक्स बराबर साइन इनवर्स 5/13 आ जाएगा। अब हम लोग अपने सवाल में चलते हैं। सवाल था हमारा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। LHS को अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस इनवर्स 12/13 की जगह हमारा आ चुका है साइन इनवर्स 5/13, जो हम लोग वहाँ पुट करेंगे। LHS बराबर पुट करने पर साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हमने पुट किया और ये हमारे सवाल में पहले से है। अब आप लोग को फार्मूला याद होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला मैंने आपको बताया है। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूले को जब हम लोग पुट करेंगे तो इसका सॉल्व करने पर हमें साइन इनवर्स 56/65 प्राप्त होगा। आप लोग रफ्तार से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अगला सवाल है 7वां नंबर। अगला सवाल है 10 inverse 3/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इस सवाल को हमें सिद्ध करना है। अब हम इस सवाल में RHS से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस सवाल को भी पहले वाले सवाल की तरह ही लगाना है। यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13 दिया है। सबसे पहले इसको हम लोग एक्स मान लेंगे कुछ ऐसे, फिर ये साइन एक्स उधर जाएगा तो साइन एक्स बराबर 5/13 आ जाएगा। 5/13 बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ हम लोग फिगर ड्रा कर लेंगे। लंब यानी 5, कर्ण यानी 13, यानी यहाँ इस तरह हमारा जब हम इसे रफ में सॉल्व करेंगे
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फार्मूला से, तो हमें आधार मिल जाएगा 12, फिर कॉस एक्स बराबर 12/13 हम लोग निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स 5/13 की जगह हमें कॉस इनवर्स 12/13 प्राप्त हो गया, प्लस कॉस इनवर्स 3/5 ये सवाल में है और इसे हमने पुट करके रख लिया है। अब आपको फार्मूला याद होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। जब हम इस सवाल को फार्मूले में रखेंगे तब प्राप्त होगा हमें कॉस इनवर्स 12/13 गुड़े 3/5 माइनस 5/13 गुड़े 4/5। आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे सवाल इस तरह के बता चुका हूं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर मिलेगा कॉस इनवर्स 16/65। अब वैसे तो हमारा ये भी आंसर है, लेकिन इस सवाल में हमें आंसर नहीं मांगा गया बल्कि LHS बराबर RHS प्रूव करने के लिए बोला गया है, और LHS से हमारा tan इनवर्स 63/16, यानी अभी ये आंसर अपूर्ण है। पूर्ण करने के लिए हम फिर से इसे tan इनवर्स में बदलने के लिए इसको x मान लेंगे, तब ये cos इनवर्स उस साइड जाएगा, तो cos x प्लस बराबर 16/65। हम लोग जानते हैं कि cos x बराबर 18/कर्ण होता है। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लेंगे रफ के लिए। इसमें से आधार हमारा है 16, कर्ण हमारा 65 और लंब हो जाएगा हमारा 63। आप लोग रफ में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस फिगर की मदद से हम लोग tan x निकाल सकते हैं। tan x हमारा आ जाएगा 63/16, यानी x बराबर tan इनवर्स 63/16 जो कि RHS के बराबर है। आठवां नंबर सवाल है tan इनवर्स 1/+ प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। आप में से कई लोग इस सवाल को देख के डर गए होंगे, लेकिन इस तरह के सवाल मैं पीछे भी बता चुका हूँ। इस सवाल को आपको स्टेप वाइज हल करना है। सबसे पहले इस सवाल को दो भागों में तोड़ लेना है, एक दो भागों में यहाँ से टूट जाएगा, यानी हमें पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसे सॉल्व करना है, फिर यहाँ जो प्राप्त हो और जो यहाँ प्राप्त हो उसे हम लोग जोड़कर फिर नया सवाल हल करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1/+ प्लस tan इनवर्स 1/7 लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, यानी इसे x मानेंगे और इसे y मानेंगे। जब फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने पर tan इनवर्स 12/34 मिल जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें tan इनवर्स 11/23 मिल जाएगा। आप लोग इसे रफ में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग फिर से इसे सॉल्व करेंगे, यानी tan इनवर्स, यदि हम लोग इसे x मानेंगे और इसे हम लोग y मानेंगे, और फिर फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें पुट करने पर tan इनवर्स 1 मिल जाएगा। हम जानते हैं a का मान tan के पद में tan π/4 यानी tan 45 अंश का होता है। जब अंदर tan π/4 पुट करेंगे तो tan इनवर्स और अंदर tan π/4, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और π/4 आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज की वीडियो का हमारा होमवर्क है 2 tan inverse 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। इस तरह के सवाल मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करके हमें इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर मैसेज करना है। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, जिसमें आप क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुँच जाएंगे, फिर हमें फॉलो करके उसमें हमें सवाल का आंसर मैसेज करना है। फिर उस आंसर में जो टॉप स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उनके नाम फोटो सहित मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इस सवाल की कुछ आपको हिंट दे देता हूं। देखिए आपको याद होगा 2 tan inverse x का फार्मूला यहां रखेंगे, फिर जो यहां मिलेगा उसे और इसे फार्मूले के रूप में सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को आसानी से लगा सकें।
दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज और बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं जब इस तरह की वीडियोज और डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों के को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए, जिससे वे भी इन फ्री क्लासों का लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में वीर प्रश्नावली का पार्ट 2 आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।